जी, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स। जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखें जी, ये टर्म्स हैं तीन, 5x² एक टर्म है, एक ये टर्म है और एक अंडर 2, ये तीन टर्म्स है। अगर इन तीन टर्म्स के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगा दें, जी जैसे इधर हमने ऐड कर दिया है, इन तीनों टर्म्स के दरमियान एडिशन आ गया है, या इन थ्री टर्म्स के दरमियान हमने सब्ट्रैक्शन लगा दिया, तो अब पहले तो ये टर्म्स थी, अब ये वाला एक एक्सप्रेशन बन गया है, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जी। इसकी डेफिनेशन ये लर्न करेंगे, व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी प्लस या माइनस के साइंस आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी यही डेफिनेशन बनी ना, कि जब टर्म्स के दरमियान एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के साइंस लगा दिए, तो अब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जी। अब आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता चल गया, इसकी डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। और अब मैं आपको पॉलीनोमियल्स के बारे में आइडिया देता हूँ जी। उसके लिए पहले आपको इंटीजर्स का पता होना चाहिए। इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, यानी जी उसके अंदर 0 भी है, प्लस 1, 2, 3 यानी पॉजिटिव भी होते हैं, और ये -1, -2, -3 ये सारे नेगेटिव भी होते हैं। और इंटीजर्स में ये तो हो गए नेगेटिव इंटीजर, और ये जो ऊपर वाले हैं ये 0 और ऊपर, ये हैं नॉन नेगेटिव। देखें जी, नेगेटिव इंटीजर में क्या आता है, -1, -2, -3 यानी माइनस वाले नंबर आते हैं, और जो नॉन नेगेटिव है उसमें क्या आता है, 0, +1, 0, 1, 2, 3 इस तरह के, ये हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स जी। अब आपने ये पहला पार्ट देखिए, 3x² है, तो ये आप ऐसे ही लिखिए, ये x नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर -1 बन जाएगी, समझ आ गई। और ये है 5, इसके साथ x नहीं है, x नहीं है तो इसकी आप पावर 0 समझ लीजिए। अब देखें जो x की पावर है, ये 2 पॉजिटिव है यानी ये वाला है, और ये वाला नेगेटिव आ गया, ये देखिए -1 है। जब किसी भी एक एक्स की पावर ये आ जाए ना नेगेटिव में, -1, -2, -3 तो ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलीनोमियल नहीं होता। तो आप इधर लिखेंगे नॉट अ पॉलीनोमियल जी। आपको पता चल गया ये पॉलीनोमियल सिर्फ इसकी वजह से नहीं है। और पॉलीनोमियल होती कब है, अगर इनकी सारी पावर ये ऊपर वाली हो यानी नॉन नेगेटिव हो, तो फिर ये होगा पॉलीनोमियल। अगर एक भी नेगेटिव आ गई है तो ये पॉलीनोमियल नहीं है जी। पार्ट टू में देखिए, एक्स की पावर 3 ये तो पॉजिटिव है, एक्स की पावर 2 ये भी पॉजिटिव है, इधर एक्स की पावर 1 ये भी पॉजिटिव है, और इधर एक्स की पावर जो है ना स्केयर रूट की वजह से 1/2 आ गई, और ये यानी बना ना स्केयर रूट की एक्स की पावर 1/2, इधर आपकी एक्स की पावर 0 है। अब ये सारे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी, लेकिन ये वाला तो इंटीजर है ही नहीं। इंटीजर्स के अंदर 1/ इस तरह की फ्रैक्शंस नहीं होती। जैसा कि आप देखें इंटीजर में पूरे नंबर 0, 1, 2, 3 -1, -2, -3 इस तरह के हैं, ये तो 1/2 है, ओवर वाला जब नंबर आ गया तो ये इंटीजर्स नहीं हैं। अगर तो ये इंटीजर नहीं है तो फिर ये पूरी पॉलीनोमियल नहीं है। तो इसको लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। देखें थर्ड पार्ट में, एक्स की पावर 2 ये तो पॉजिटिव है, इधर एक्स की पावर 1 ये भी पॉजिटिव है, इधर एक्स है ही नहीं, जब एक्स नहीं है तो उसकी पावर 0 है, तो ये भी नॉन नेगेटिव है, तो यानी ये सारे नॉन नेगेटिव आ गए। जब एक्स की पावर इस तरह की है तो यस ये पॉलीनोमियल है, तो लिखेंगे यस दिस इज अ पॉलीनोमियल। और इसमें देखिए फोर्थ पार्ट में, ये ऊपर तो एक्स है, जब नीचे आ गया ना एक्स तो ये पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि इधर x की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी यानी x की पावर नेगेटिव आ जाएगी, इसलिए ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में था कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, इसमें पॉलीनोमियल कौन सा है, तो हमें पता चला सिर्फ ये तीसरे वाला पॉलीनोमियल है।